हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ द डे एपिसोड 24। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वेव्स से कंसीडर किया है। वेव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो और इस अच्छे से कंसेप्ट को समझो और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसका कुछ मास है। हमें एक स्ट्रिंग दी गई है बच्चों जिसका कुछ क्या है, मास है। इसका मास मान लेते हैं अपने एम है। इसका मास क्या है, एम है। आपको बोला गया यहां से एक पल्स जनरेट करेगी, यहां से एक पल्स जनरेट करेगी। वो एल लेंथ की स्ट्रिंग में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। पल्स को जनरेट किया, एल लेंथ की स्ट्रिंग में वो मूवमेंट कर रही है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इस पल्स को ये पूरी एल डिस्टेंस कवर अप करने में कितना टाइम लगेगा। एल डिस्टेंस जब ये कवर करेगी उस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी और एल टाइम के, एल डिस्टेंस के टाइम इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या क्या पूछ रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं कि एल डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा, फिर पूछ रहे हैं एल डिस्टेंस के टाइम इसकी स्पीड कितनी होगी, फिर पूछ रहे हैं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि एल कितनी देर में कवर अप होगा, एल के टाइम स्पीड क्या होगी और एल के टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा। याद रख लेना, जेई के अंदर तीन बार आया हुआ है क्या, देखो टू रूट एल बाय जी, ये तो हो गया टाइम का फॉर्मूला। टू पाई नहीं है, सिंपल पेंडुलम नहीं चल रहे यहां पे, टू पाई नहीं है, टू है, टू रूट एल बाय जी। स्पीड का फॉर्मूला बच्चों होता है रूट जी एल, जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है देख लो वो पुट कर दो। अगर मान लो ये एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा होता रूट जी एक्स हो जाता, समझ रहे हो। अगर ये x डिस्टेंस कवर कर रहा टू रूट एक्स बाय जी हो जाता। सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट, जी बाय टू फिक्स, एक्सेलरेशन फिक्स कांस्टेंट, जी बाय टू या फाइव भी बोल सकते हो, जी बाय टू विल बी द एक्सेलरेशन। तो ये बात समझ आई, टाइम कितना लगेगा टू रूट एल बाय जी, एल डिस्टेंस कवर करने में। अगर ये टू एल डिस्टेंस होती तो टू एल बाय जी, ठीक है। जितनी डिस्टेंस वो यहां पुट कर दो, स्पीड रूट जी एल, एक्सेलरेशन जी बाय टू। होप आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा, जेईई और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे तरह इसको कवर अप कीजिए। और एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है बच्चों, मास है इसका काफी ज्यादा, मान लेते हैं इसका मास है 50 kg, ठीक है, 50 kg इसका मास है और इसकी 50 meter की लेंथ है। 50 kg मास है और 50 meter ही इसकी लेंथ है। 50 मीटर की जगह काम करते हैं अपने, थोड़ा सा इजी करते हैं इसको, अपने काम करेंगे हम लोग, कंसीडर कर लेते हैं इसकी लेंथ है 1440 meter, काफी लंबी होगी, 1.4 किलोमीटर से ऊपर चली गई, 1440 meter इसकी लेंथ है। आपको क्या बताना है, टाइम टेकन बाय पल्स टू कवर हाफ ऑफ द लेंथ, समझ रहे, एंड स्पीड ऑफ पल्स एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। ये है तरीका, मैंने आपको कंसेप्ट में समझा दिया है, अब आपकी बारी है, जल्दी से इसको सोल्व कीजिए और मेरे को आंसर फाइंड आउट करके बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब अस ऑन YouTube, फॉलो अस ऑन Insta एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट अल्टीमेट कंसेप्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।